भरतपुर जिले के नगर कस्बे में लगातार पेट्रोल पंप पर और अन्य जगहों पर हो रही लूट की वारदातों के बाद अब एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र के ही पिनका गांव में रहने वाले जीतू गुज्जर ने अपना एक वीडियो अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उसने पुलिस व्यवस्था को ताक पर रखते हुए नगर कस्बे में हो रही घटनाओं की जिम्मेदारी ली है। साथ ही आरोपी ने पेट्रोल पंप संचालकों को 30 सितंबर तक का समय दिया है। आरोपी ने कहा है कि प्रति महीने मुझे 20,000 रुपए वसूली नहीं दी गई तो कस्बे में भोकाल मचा दूंगा। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। होगी वो मैं आपके लिए बताता रहूंगा, ठीक है ना। और हाँ, पेट्रोल पंप वाले एक बात और है, तुम्हारे लिए मुझे अगर तुम 20,000 महीने दोगे तो ही मैं तुम्हारा पेट्रोल पंप चलन दूंगा, नहीं तो तुम्हारे पेट्रोल पंप पे ब्लास्ट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम था मैं तुझे, इसलिए मैंने तुम्हारे पास ये वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे 20,000 महीने दोगे तो ही तुम्हारा पेट्रोल पंप चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चल पाएगा तुम्हारा पेट्रोल पंप, ठीक है ना। अगर देने हो एक सेकेंड, अगर आप पैसे देंगे तो अपने धंधा चलेगा तुम्हारा, ठीक है ना। अगर मेरे पास पैसे नहीं आए ना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा ओनली 30 तारीख तक। आज 25 तारीख है, 30 तारीख तक वेट करूंगा। मुझे जवाब दे देना कि हाँ भाई, तुझे तेरे लिए पैसा हम हर महीने 20,000 रुपये भेजेंगे, ठीक है ना। तो मुझे संपर्क करने के लिए ओनली इंस्टाग्राम पे जीतू गुजर लिख के 37 डाल के उस पर सर्च कर लेना, उस पर मुझे जवाब दे देना कि जीतू भाई।